हेलो एंड वेलकम इन टुडे सेशन. आई एम मिंटर अबेदा शेख. स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर. बट उससे पहले फिर से बोलना चाहूंगी, स्टे एट होम, स्टडी वेल एंड बी सेफ. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर. देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है. देखिए, आज का जो करंट अफेयर है कंप्लीटली बेस्ड किस पे है? आरोग्य सेतु पे. अब आरोग्य सेतु जो है इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली. अब ये जो ऐप है ये करता क्या है वो देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल्स के बारे में, इसकी डिटेल्स में क्या क्या मिलेगा हमको देखने के लिए आज. देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप. और ये जो है ये एक इनिशिएटिव है अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर. यानी यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इस ऐप को जो है लॉन्च करेंगे. और ये जो है आपके प्ले स्टोर प्लस जो है वो एप्पल स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल होगा. पर इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था, इससे पहले लास्ट वीक एक ऐप अनाउंस किया था, नाम था COVID-19 ट्रैकर ऐप. ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी एक ऐप के ऊपर बहुत सारा काम किया था, उसका नाम था कोरोना कवच ऐप. अब जो है नीति आयोग ने भी क्या किया है, कोरोना वायरस ट्रैकिंग सिस्टम को लॉन्च किया है. अब यहाँ पे NIC जो है इन्होंने रिलीज किया है इस पर्टिकुलर ऐप को, जिसका नाम क्या है, आरोग्य सेतु, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो आरोग्य सेतु को लॉन्च किसने किया, यहाँ पे NIC, एंड NIC इज वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है NIC, और ये NIC का ही जो है ये इनिशिएटिव है आरोग्य सेतु. तो आरोग्य सेतु एक्चुअली में क्या है, तो ये करेगा क्या, ये करेगा जो है ये ट्रैक करेगा सारी की सारी इन्फॉर्मेशन COVID-19 से जुड़ी हुई. तो ये जो ऐप है आरोग्य सेतु, ये क्या है, डिजिटली लॉन्च किया गया है. मतलब क्या है, ये ऐप है तो जाहिर सी बात है कहाँ मिलेगा, ये प्ले स्टोर पर मिलेगा, प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना है. अब ये ऐप की जो उपलब्धि है ये है 11 भाषाओं में, 11 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है. अब इस ऐप से होगा क्या, देखिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है. अगर आप यहाँ पर देखें तो 11 भाषाओं में लॉन्च किया गया, ताकि जो कोरोना वायरस जो आउटब्रेक हो रहा है, जो स्प्रेड हो रहा है कोरोना वायरस, इसकी थोड़ी सी रोकथाम की जा सके. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, एक ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीनों का यूज हो रहा है. साथ में क्या यूज करेंगे, GPS सिस्टम को. अब GPS सिस्टम से मालूम पड़ेगी आपकी लोकेशन कितनी है, आपकी लोकेशन क्या है. अब ब्लूटूथ से मालूम पड़ेगा कि आपकी दूरी कितनी है, आप कितनी दूरी बनाए हुए हैं उस इंसान से जिस इंसान को कोरोना वायरस पॉजिटिव है. तो इसमें करना क्या है, इसे आपको सिर्फ डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से. डाउनलोड करने के बाद कुछ डिटेल्स है इसमें, वो डिटेल्स आपको फिल करनी है. डिटेल्स फिल करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आसपास यानी उसके दायरे के अंदर, उस पर्टिकुलर ऐप के दायरे के अंदर अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस पॉजिटिव है. अगर कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो 6 फीट के अंदर अंदर, अगर 6 फीट के अंदर आपके कोई भी कोरोना वायरस पॉजिटिव केस मिलता है तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी इससे, और आप इसे अलर्ट हो सकते हैं, अपने आप को क्वारंटाइन कर सकते हैं, आप उसे दूर रह सकते हैं. और इससे मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या प्रॉफिट होगा, इससे ये जो इन्फेक्शन है उसको दूर कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं उसका आइसोलेशन. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग ये जो ऐप है इसको अगर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है. पर्सनल डिटेल्स मांगने के बाद अभी बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि कहीं ये प्राइवेसी को तो नहीं खत्म कर देगा, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स अगर लीक हो गई तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स को बराबर से इंश्योर किया जा रहा है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करेगी, आपका डेटा कहीं भी किसी थर्ड पार्टी सेकेंड पार्टी के हाथ में नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये जो ऐप है ये क्या करता है, ये ऐप करेगा पूरा का पूरा ट्रैक करेगा पूरे के पूरे लोकेशन को थ्रू GPS एंड ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, कि कहीं भी किसी बंदे को अगर पॉजिटिव केस, कोई भी अगर किसी को भी कोरोना वायरस पॉजिटिव है, COVID-19 पॉजिटिव केस कहीं पर भी दिख रहा है तो उससे आपको अलर्ट आप उससे हो जाएंगे, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो आज के लिए इतना ही, मैं यही खत्म करती हूँ अपने करंट अफेयर. उम्मीद करूंगी सभी लोग सेफ होंगे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे. मीनवाइल इतना ही, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ. Thank you.